प्रभास आज सिर्फ साउथ फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना माना नाम बन चुके हैं, और ये सब हुआ है बाहुबली की बदौलत। जबकि इससे पहले तक प्रभास तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने और चहेते चेहरे थे। ऐसा नहीं है कि प्रभास का फिल्मों में आना कोई इत्तेफाक था। हालांकि वो कभी हीरो बनना नहीं चाहते, लेकिन किस्मत को तो यही मंजूर था। प्रभास का जन्म 23 अक्टूबर 1979 को चेन्नई में हुआ था। प्रभास के पिता लेट सूर्या नारायण राजू भी फिल्म प्रोड्यूसर थे, इसलिए कहीं न कहीं बचपन से ही प्रभास का नाता सिने जगत से जुड़ गया था। प्रभास के चाचा कृष्णम राजू भी काफी फेमस तेलुगु एक्टर हैं, यानी एक्टिंग तो प्रभास के खून में ही है। तीन भाई बहनों में सबसे छोटे प्रभास ने हैदराबाद के श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। प्रभास का तो सपना था कि वो बिजनेसमैन बने, लेकिन किस्मत तो उन्हें हीरो बनाना चाहती थी, बाहुबली बनाना चाहती थी। 2002 में प्रभास ने तेलुगु फिल्म ईश्वर से डेब्यू किया। हालांकि उस वक्त तो उन्हें कोई खास मुकाम हासिल नहीं हुआ, लेकिन उन्हें पहली सफलता मिली 2004 में आई फिल्म वर्षम से, जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस कृष्णा कृष्णन भी थी। इसके बाद प्रभास ने चक्रम, छत्रपति जैसी फिल्मों में काम किया। छत्रपति में ही पहली बार प्रभास और एसएस राजामौली साथ आए थे, लेकिन उस वक्त प्रभास को अपनी फिल्म में लेना राजामौली के लिए आसान नहीं था। दरअसल राजामौली ने अब से 16 साल पहले अपनी पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 के लिए भी प्रभास को अप्रोच किया था, लेकिन तब प्रभास ने राजामौली की ये कहानी सुनकर भी उसे रिजेक्ट कर दिया था। बाद ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई तो प्रभास को अफसोस हुआ। इसके 4 साल के बाद प्रभास ने राजामौली की छत्रपति साइन की। ये तेलुगु फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई और उसे कन्नड़, तमिल और बंगाली में डब किया गया। बस फिर क्या था, अब तो प्रभास हिट हो ही चुके थे। इसके बाद उन्होंने मुन्ना, बिल्ला, एक, निरंजन जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल हुई 2010 में आई अपनी फिल्म डार्लिंग से, जिसके लिए उन्हें पहली बार सिनेमा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर जूरी का अवार्ड मिला। एम्बियंस अगर अवार्ड का मिल जाए तो वरना फोटो लगा दें। प्रभास की और फिल्में डार्लिंग, मिस्टर परफेक्ट, रेबेल, मिर्ची भी अच्छी चली, और साथ ही अनुष्का शेट्टी के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी भी प्रभास ने काजल अग्रवाल, असिन, त्रिशा, इलियाना, तमन्ना जैसी कई हीरोइनों के साथ काम किया, जिन्होंने बॉलीवुड में हाथ आजमाया और आज भा कर रही हैं। लेकिन अब तक प्रभास ने खुद बॉलीवुड में कदम रखने की नहीं सोची। प्रभास का पहला और इकलौता बॉलीवुड अपीयरेंस था प्रभुदेवा की फिल्म एक्शन जैक्सन के आइटम सॉन्ग सूर्यास्त में, जहां वो सोनाक्षी सिन्हा के साथ कुछ सेकेंड्स के लिए डांस करते दिखे। और आखिरकार 2015 में रिलीज हुई प्रभास के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली द बिगनिंग। दमदार कट काठी वाले इस हैंडसम हीरो का जादू हर तरफ छा गया था और बची कुची कसर बाहुबली दो ने पूरी कर दी। अब प्रभास तैयार हैं अपनी एक तेलुगु फिल्म साहू के साथ, जिसमें वो नजर आएंगे। तेलुगु में तो प्रभास हिट है ही, बस इंतजार है उनके ऑफिशियल बॉलीवुड लॉन्च का। हालांकि साहू के लिए प्रभास ने हिंदी सीखी है और साहू की शूटिंग तेलुगु और हिंदी में साथ साथ हो भी रही है। भले ही साहू में श्रद्धा प्रभास की को स्टार हो, लेकिन बाहुबली स्टार की फेवरेट हिंदी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण है, तो क्या पता आने वाले वक्त में कभी ये जोड़ी भी हमें देखने को मिल ही जाए।